हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक करोशिये का फ्लावर लेके आई हूँ। ये देखिए, इसको आप किसी भी पैटर्न में यूज़ कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करके आप मेजपोश भी बना सकते हैं और कैप वगैरह में भी लगा सकते हैं, लेडीज़ कैप बना के या बच्चों के लिए कैप बना के उसमें भी लगा सकते हैं स्कूल को। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। देखिए, क्रोशिया करने से पहले हम इसको ऐसे नॉट लगा देंगे शुरुआत करने के लिए। अब हमें 5 चेन बनानी है इसमें। देखिए, ये हमारी 1, 2, 3, 4 और ये हो गई हमारी 5। ये हम 5 चेन लगाएंगे, उसके बाद इसको अटैच कर देंगे। अटैच देखिए, लास्ट वाले से ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे लाए और इसको ऐसे अटैच कर दिया। अब ये हमारा छोटा सा होल बन जाएगा। यहाँ पे अटैच करने के बाद इसको ऐसे सिंगल क्रोशिया करेंगे, हम इस होल के अंदर से ऐसे ले जाएंगे। और ये सिंगल क्रोशिया एक बार करा, 12 स्टिचेस करनी है हमें ऐसी। दो, तीन, चार, ग्यारह, 12। ये 12 स्टिचेस कर ली हमने, 12 बना दिया। अब इसको हम क्लोज कर देंगे यहाँ से। ये देखिए, लास्ट वाले ऐसे ऐसे करके निकालेंगे, इसको ऐसे पकड़ के लाए अंदर से। ये हमने क्लोज कर दिया। अब इसके बाद हमें 7 चेन्स और बनानी है। ये 1 बनी, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 बनाने के बाद ये हर एक इसके अंदर हम ऐसे करके डालेंगे और इसको ऐसे लॉक कर देंगे पहले से। ये देखिए, ऐसे करा। उसके बाद फिर इसमें 7 चेन्स बनाएंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद फिर ये देखिए, इसके अंदर से ऐसे डाल के इसको अटैच कर देंगे ऐसे। ये पूरे हमें 11 बनाने हैं। ये पूरा ऐसे ही बनेगा हर बार, इनको पूरा हमने टोटल 11 बनाना है। ये देखिए, हमारे कंप्लीट हो गया है। और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, हमने ये 11 पंखुड़ियाँ बना ली हैं। ये देखिए, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ये फ्लावर की एक टाइप का फ्लावर है। आप इसके आगे मैं ये बता रही हूँ आपको कैसे बनेगा। ये हमने इधर नीचे से अटैच करा जैसे अभी तक कर रहे थे, अब हम इसको इससे अटैच कर देंगे। ये नीचे से अटैच करा है, अब हम इसको इधर से अटैच कर देंगे ऐसे करके। ये देखिए, ये हो गया। अब हमें इस वाली रिंग में
12 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए कैसे करेंगे, इस रिंग के अंदर ले गए ऐसे करके, और ये एक, दो, बार बार इसी रिंग के अंदर ले जाना है, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, और ये बारह। इस रिंग के अंदर हमने 12 बार ये डबल क्रोशिया कर लिया। उसके बाद हम इसको दूसरी रिंग से अटैच कर लेंगे। ये देखिए ऐसे करके हमने इसे दूसरी रिंग से अटैच करा। अब इस रिंग में भी हमें 12 बार डबल क्रोशिया करना है। इस रिंग के अंदर ले जाके ऐसे करके इसमें भी हम 12 बार करेंगे। ये हमारा एक हुआ, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, देखिए इसी तरीके से हमें इन सब के अंदर 12 बार डबल क्रोशिया करना है। ये जितने भी हमारे ये बने हुए हैं इसको पहले इससे अटैच करेंगे और इन सब को ऐसे करके 12 बार एक एक के अंदर हमें ले जाने हैं, तो हमारा ये इस तरीके का फूल बन जाएगा। ये देखिए ये कटने के बाद जो धागा बचा है इसको हम ऐसे क्रोशिये से देखिए इसके अंदर ऐसे डाल देंगे। ये देखिए हमारा एक तरीके का फूल ये भी बन जाएगा, ये ऐसे। और फिर इसको हम जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो ये इस तरीके का बनेगा। ये देखिए ये एक फूल ये है, और इसको हम ऐसे करके खोल देंगे और इसको एक एक प्लेट्स को इसके नीचे से ऐसे
दबा देंगे ये देखिए। ऐसे करके एडजस्ट करेंगे इसको। ये देखिए, और इसको हम किसी भारी सी चीज से दबा देंगे तो ये अपना